स्लाइड में आ भी जाएंगे बाद में। इसके लिए आपने इस चीज़ को याद रखना है, रोम को याद रखना है। रोम का मतलब क्या है? आर का मतलब है रिस्पायरेटरी, आर का मतलब क्या है? रिस्पायरेटरी। और ओ का मतलब है अपोजिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिस्पायरेटरी में साइन अपोजिट होंगे। देखिए, एक हमारे पास है पीएच, एक होता है PCO2 और एक हमारे पास होता है HCO3। क्योंकि इन चीज़ों के बेस पे आप ये पॉइंट करते हैं कि पेशेंट को क्या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है या रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो जब आपके पास रिस्पायरेटरी में हमेशा साइन अपोजिट होंगे, यानी अगर पीएच डाउनवर्ड है तो PCO2 अपवर्ड होगा। पीएच अगर कम होता है तो उसको हम एसिडोसिस कहते हैं ना। जैसे बॉडी का जो पीएच होता है ब्लड का, वो कितना है? 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। 7.35 से बिलो हो तो हम इसको क्या कहते हैं? एसिडोसिस। क्या कहते हैं? एसिडोसिस। और अगर 7.45 से अबव है तो हम इसको कहते हैं अल्कलोसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा है वो आप इस रोम के ऊपर बता सकते हैं। रोम, इस चीज़ को आपने कभी नहीं भूलना है। रिस्पायरेटरी में हमेशा साइन अपोजिट होंगे। अगर पीएच डाउनवर्ड है तो आपके पास PCO2 जो है वो अपवर्ड होगा। तो अभी कौन सा होगा? पीएच कम है, एसिडोसिस तो है। अब कौन सा है? रिस्पायरेटरी का साइन अपवर्ड है ना, तो हम इसको कहेंगे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अगर आप इसको ये देख ले, अगर पीएच आपके पास अपवर्ड होता है और PCO2 डाउनवर्ड होता है, क्योंकि मैंने कहा था रिस्पायरेटरी में साइन अपोजिट होंगे, तो ये आपके पास कौन सा होगा? पीएच ज़्यादा है ना, तो हम इसको अल्कलोसिस कहते हैं। और रिस्पायरेटरी वाला साइन देखिए डाउनवर्ड है, तो ये क्या हो गया? रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। गॉट इट? अब इसको आप देख ले, ये भी मैं आगे स्लाइड में आप लोगों को दिखा दूंगा। मेटाबॉलिक, एम का मतलब है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक में साइन इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब ये देखें, रिस्पायरेटरी में आपने PCO2 को देखना होगा और मेटाबॉलिक में आपने HCO3 को देखना होगा पीएच के साथ। अब यहाँ पर देखें निमोनिक को, मेटाबॉलिक में साइन इक्वल होंगे। अगर पीएच अपवर्ड है तो आपका जो HCO3 है ये भी अपवर्ड होगा। अब पीएच अपवर्ड है, पीएच अपवर्ड होगा तो इसका मतलब है अल्कलोसिस है। क्या है? अल्कलोसिस है। कौन सा अल्कलोसिस है? आपके पास ये साइन भी अपवर्ड है, ये नॉर्मल नहीं है, अपवर्ड है। तो ये आपके पास हो गया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, और अगर आपके पास साइन डाउनवर्ड होंगे, मैंने कहा इक्वल साइन होंगे, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल साउंड डाउनवर्ड है, तो जब साउंड डाउनवर्ड है इसका मतलब है पीएच कम है, ठीक है। तो ये एसिडोसिस है। कौन सा एसिडोसिस है? आपके पास बाइकार्ब भी डाउनवर्ड है, तो ये आपके पास हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये आपके चारों जो चीज़ें थी, सबसे पहले ये कि एसिडोसिस क्या है, अल्कलोसिस क्या है, ठीक है, वो आपने पीएच के बेस पे बता दिया कि 7.35 से लेके 7.45 तक ब्लड का, ये ब्लड का पीएच है, ह्यूमन ब्लड का। 7.3 से बिलो हो तो हम इसको एसिडोसिस कहते हैं और 7.45 से अबव हो तो हम इसको क्या कहते हैं? अल्कलोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इन चीज़ों को देखना है, PCO2 और बाइकार्ब को। इसके बेस पे आप कह सकते हैं कि ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, और या ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। इस रोम को आप अप्लाई करें तो आप एग्ज़ाम में भी कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सिनारियों में सिनारियों देंगे, आपको ये बोलेंगे ये पेशेंट है, इसका PCO2 इतना है, बाइकार्ब इतना है, तो आप बताएं इसको कौन सा एसिडोसिस या अल्कलोसिस है। तो अगर आपको ये नॉर्मल सी चीज़ें पता हो तो आप वहाँ पर कभी भी गलती नहीं कर सकते। सो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट, रिस्पायरेटरी रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपके पास ब्लड के अंदर देखें H2O CO2
कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के थ्रू ये H2O CO3 में कन्वर्ट होता है। H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड है। ये जब डिसोसिएट होता है तो ये किस में होगा? H प्लस में एन बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है। अब जितना आपके पास ये H प्लस बढ़ेगा बढ़ेगा तो pH क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये याद रखना, H प्लस आयन, 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 जितना ये बढ़ेगा तो pH क्या होगा? pH पे क्या इफेक्ट होगा? pH विल बी लोअर्ड, ठीक है। जितना H प्लस आयन बढ़ेगा तो pH कम होगा, यानी H प्लस आयन क्या करता है? एसिडिटी कास करता है। और अगर H प्लस आयन कम होगा तो इसका मतलब वाइस वर्सा, वही अल्कलोसिस की तरफ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि H प्लस आयन जितना सिक्रीट होगा 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 तो क्या होगा? pH डिक्रीज होगा। अब ब्रेन स्टेम के अंदर आपका जो रिस्पायरेटरी सेंटर है वो एक सिग्नल दे देगा यहाँ पर लंग्स को, और लंग्स को क्या बोलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अब रिस्पायरेशन, यानी कहते हैं ना गहरी सांसें ले ले, ठीक है। प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पर हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हाइपर वेंटिलेट होगा, जल्दी जल्दी से सांसें लेगा, तो ये CO2 वाश आउट हो जाएगा। जब CO2 वाश आउट, क्योंकि CO2 एसिडिक इन नेचर है, तो CO2 जब वाश आउट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल में, जो दूसरा है, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैंने कहा था कि फिजियोलॉजिकल बफर। तो फर्स्ट वन तो कवर हो गया, अब सेकंड वन है रीनल रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। यहाँ पर क्या होता है? H प्लस आयन जो है वो सिक्रीट होता है। तो H प्लस आयन मैंने कहा था जितना ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ये क्या करेगा? एसिडिटी कास करेगा। अब किडनी क्या करेगा? किडनी H प्लस आयन को क्या करेगा? ये एसिडिक यूरिन में बॉडी से निकाल देगा, और जो बाइकार्ब है उसको